मैं इस वजह से अभी लाइव आई हूँ बिकॉज अभी काफ़ी दिन हो गए कि मैं लाइव नहीं आई और मैंने किसी से बात बात नहीं की थी इतने टाइम से. सो राइट नाउ लाइक इन अ व्हाइल, एक डेढ़ घंटे में मुझे अभी एक शादी में जाना है. सो आई थॉट के मैं यहाँ पे आके आई डू माई मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. मैंने पहले से ही अपना फेस मॉइस्चराइज भी कर लिया है और मैंने प्राइम भी कर लिया. मुझे किए हुए ये कोई 10 मिनट हो गए, 5-10 मिनट हो गए. सो लेट्स स्टार्ट विद कलर करेक्टिंग, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं. सो अभी सब बताती हूँ कौन सा फाउंडेशन, कौन सा कंसीलर एंड एवरीथिंग. आई शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस टुडे. तो थोड़ा सा कलर करेक्ट आई डू फर्स्ट, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है. I'm gonna do that. So yeah. कलर करेक्टर यू माइट नीड, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, मुझे आइडिया है, लाइक आई हैव वीटिश कॉम्प्लेक्शन टूवर्ड्स द डल साइड. तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर से आई करेक्ट द पिगमेंटेशन और ये और वो. लेकिन जो जिनकी कॉम्प्लेक्शन फेयर हैं, जो बहुत ज़्यादा देयर गोर एंड एवरीथिंग, तो दे कैन कलर करेक्ट विद आइदर ब्लू कलर करेक्टर और ग्रीन, लाइक स्पेशली ऑन द पिम्पल्स. सही है, आती हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू यूज फाउंडेशन. आई थिंक आई एम गोइंग टू नॉट अरमानी, नो नो, आई एम गोइंग टू मिक्स टू फाउंडेशन. आई एम गोइंग टू यूज टू फेस्ड एंड वीडा कॉस्मेटिक्स. आई नो सोबिया, आई नो वॉट यू सेंग, बट खैर हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जिसको जो बोलना है बोले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं पढ़ रही हूँ जो जो कोई भी कमेंट्स कर रहा है, बट आई लिटरली एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर. मेरे लिए वो मायने रखते हैं जो ऑनेस्टली अच्छे तरीके से देख रहे हैं, एंड द वंस हु आर नॉट पासिंग बैड कमेंट्स, राइट, तो वो मैटर करता है. जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, दैट डजंट मैटर टू मी एनी मोर. जिसको जो गालियाँ देनी है दें, गंदी गंदी बातें करनी है करें, वो अपना आप दिखा रहे होते हैं. मैं उनको जवाब दे के अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती. सो या ओके, डोंट फॉरगेट योर नेक एवर एवर. यार मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, लाइक आई यूज़ टू फेस्ड और एक हमारी लोकल ब्रांड है वीडा कॉस्मेटिक्स. मैंने उनकी फाउंडेशन, ये दो फाउंडेशन को आई मिक्स्ड एंड देन आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. कोई फ़र्क नहीं पहनता है ब्रो, की फ़र्क पहनता है. भी मैंने फाउंडेशन लगा ली है लाइक प्रॉपरली एंड नाउ योर इन लॉज आर सिंधी. येस माई इन लॉज आर सिंधी. नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है. नाउ वॉट वी गोना डू इज लाइक जस्ट आई जस्ट ब्लेंडिंग इट इन, ताकि केक ही ना हो, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंडेड हो जाएगी. आई एम जस्ट टैपिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. मैं उसको ब्रश आउट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टैपिंग द फाउंडेशन इन टू माई स्किन. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग दैट और उसके बाद हम कंसीलर करेंगे. That I highlighted and used the concealer, this one, the Tarte Shape Concealer in the shade Light Medium. मैं सिर्फ corner of my eyes, forehead, a little on my nose, I just applied it and I'm going to tap it in as well. ठीक है, just like ये foundation कौन सी लगाई है. As I told before, मैंने दो foundations को I mixed them up. वीडा कॉस्मेटिक की फाउंडेशन विच इज़ अ लोकल ब्रांड एंड देन टू फेस्ड की फाउंडेशन. आई मिक्स देम, उनको मिक्स किया है एंड देन आई अप्लाइड इट ऑन माय फेस. और अभी मैं बस कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट ब्रशिंग आउट माय आईब्रोज अ लिटिल, क्योंकि उस पर फाउंडेशन लग गया है. तो ये हम करते रहेंगे बिटवीन हेयर. आई एम गोइंग टू यूज़ अ लूज पाउडर द
दिस ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर बाय लॉरा मर्सिए और मैं इसको बेकिंग बेकिंग आई वॉन्ट डू, मैं सिर्फ अपने एक ब्लेंडिंग ब्रश से जस्ट गोइंग टू यू नो हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है और विंटर्स में तो मज़ीद ड्राई हो जाती है, सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट लाइक दिस. अच्छा जी, नाउ द पाउडरिंग इज डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट, क्या करें, हम कंटूरिंग करेंगे नेक्स्ट. आई एम नॉट सिक एक्चुअली, यहाँ का वेदर इतना ख़राब है, मुझे साइनस का इशू है, सो यू नो आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाती है. अभी आई एम कंटूरिंग माय फेस, माय जॉ लाइन, और मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज की ये ब्लश एंड कंटूर पैलेट. आई एब्सोल्युटली लव दिस पैलेट. जी जी, मैं शादी पे ही जाना है जिसके लिए आई एम गेटिंग रेडी टू डू. एंड गालियाँ देने वालों से ज़्यादा अच्छे लोग वो हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं, जो प्रेस कर रहे हैं, और जो देखना चाह रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे. अच्छा अच्छा सही है. ऐसे जाहिलों का कोई इलाज नहीं है, मेरी जान कोई इलाज नहीं है. ये भूले बैठे हैं कि इन्होंने भी एक दिन मरना है, कब्र में जाके ना इन्होंने जवाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है. यहाँ पर ये भूल गए हैं कि इनके भी घर में बहनें हैं, और अगर इनकी बहनें नहीं हैं तो पैदा तो उन्हें एक औरत नहीं की है जो कि इनकी माँ है. सो खैर इट्स ओके, व्हाटएवर, डज नॉट मैटर एट ऑल. अच्छा सो हमने ये, अच्छा तो मैं यूज़ करूँगी दिस रे ब्यूटी का लिक्विड ब्लश इन द शेड इनकरेज. ठीक है, गोइंग टू अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स हियर, डॉट्स ड्रॉप्स. ठीक है यार, एक्चुअल में ना मुझे साइनस का इशू है और कंजेशन का बहुत ज़्यादा, तो जब भी सर्दियाँ आती हैं मेरा गला ऐसे ही बंद हो जाता है. अच्छा अब हम लोग भी अपने फाउंडेशन ब्रश से ही आई एम गोइंग टू ब्लेंड माई ब्लश एज वेल. लेट नहीं हो गई आप? नहीं यार, बिल्कुल भी लेट नहीं हुई. इट्स ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू से वन थिंग, पॉजिटिव वाइब्स टू माई सेल्फ एंड इग्नोर ऑल द क्रैप. अच्छा ये हो गया ब्लश हमारा. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लिटिल पाउडर ब्लश. दिस इज नार्स इन द शेड ऑर्गेजम. एंड अच्छा आई एम यूजिंग दिस ब्लश, इट्स अ शिमरी ब्लश, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. आई लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश, इट गिव्स यू दैट नाइस. बाल भी बड़े हो गए आगे. हाँ यार बाल बड़े हो गए, अल्लाह का शुक्र है, अब नहीं कट करवाने. मुझे श्वेत ने, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है कि अब बाल तुम नहीं कटवाओगे इतने छोटे. मैं कहा ओके, नॉट गोना डू इट. कर रही हूँ मॉर्फी इन कोलैबोरेशन विद ब्रेटमैन रॉक, एंड दिस पैलेट इज कॉल्ड बेब इन पैराडाइज. मैं ज़रूर दिखाऊंगी अपनी फाइनल लुक, आई प्रोमिस यार. आई लव यू, आई लव यू टू. So I'm going to mix these two shades. I'm just going to highlight a little here. Okay. वरना गर्मियों में अगर आप ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ करो ना, ऐसा लगता है आपके मुँह पर पसीना आया हुआ है. See, just on the bridge of my nose I am highlighting. Not like on the tip, just the bridge of my nose. Like the brow bone. Here and here. Palette is Morphe ki palette hai, 35F, fall into fabulous this palette. Nahi, husband jayenge. Husband filhal nap le rahe hain jab tak main ready ho rahi hu. So he was like I'm gonna take a nap till the time you get ready. So once I get ready then he'll wake up and dress up. अच्छा जी,
आई एम जस्ट यूजिंग दिस लाइट लाइट न्यूडिश ब्राउन ऑन द ग्रीस. हस्बैंड कौन सी बेस यूज करता है? मेरे हस्बैंड बेस क्यों यूज करेंगे, वो मेकअप नहीं करते है. ओके हल्का सा आई एम अप्लाइंग दिस ओवर हियर एज वेल. नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल लिटिल डार्कर ब्राउन darker brown like chocolate brown on the corners of my eye and then I'm going to blend it out. sahi hai is theek se rehna hai. don't be scared guys. I'm going to fix it. I'm going to blend it. second iske liye I need a small mirror as well ki mujhe kareeb se dikh sake because itna dur se mujhe dikh nahi raha hai. magar varda mujhe negative roles hi milte hain na mere liye. main kya karu, kaise ladu sabse. Because by the end of the day, it's our job. I am using the पहले वाला brush. यार मैंने event के लिए निकलना है till 9:30, तो मेरे पास अभी भी बहुत time है. कोई मसला नहीं है यार, थोड़ा देर से भी पहुंच जाए जल्दी घर आ जाएंगे. Like you know what I mean? तो इसी चलाकी. I think कराची में भी ना अब भूले से इतनी सर्दी पड़ गई है. शादी किसकी है यार? शादी फैमिली फ्रेंड की है, सो वी हैव टू बी देयर. अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. माय इन-लॉज आर एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री राइट नाउ. सो असल में अम्मी अबू को जाना था, बट नाउ व्हेन दे कांट गो बिकॉज दे आर नॉट हियर एट द मोमेंट, सो उनकी जगह हम जा रहे हैं. थोड़ा सा शिमरी लगा, आई डोंट नो व्हाट ग्लिटर आई एम यूजिंग अ शिमरी शेड, बट व्हिच वन टू यूज. I'm a little confused. I think I should go for the golden one. अच्छा ये revolution की palette है and I'm using this palette. I don't know इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ. Oh, it's reloaded iconic 3.0. ठीक है जी. So up, I'm just going to put it like this. और एक्चुअली अब ये एक महीने से ज़्यादा हो गया है कि मेरी आवाज़ बिकमिंग मॉम. जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी यार, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी. ये चीज़ें तो अल्लाह ताला को पता होती हैं. हाउ कैन आई आंसर दैट. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एंगुलर ब्रश एंड गोइंग टू टेक दिस ब्लैक शेड. ठीक है. And I'm just going to apply it like this. क्योंकि मुझे exactly liner liner नहीं लगाना, मेरा mood नहीं हो रहा है to be very honest. So I'm just applying it like this. इसको आराम से blend कर लूँ. I'm going to take my blending brush again and I'm just going to slightly blend this ब्लैक आई शेडो विच आई यूज एज अ लाइनर. आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट इन ताकि ये बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए. मेरी ये एक पैलेट है एस्टेल ऑर्डर की आई शेडो पैलेट. ओके इसका एक शेड है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट शेड लाइक दिस ऑन माई फिंगर एंड अप्लाई इट जस्ट लाइक दिस. आई एम गोइंग टू टैप इट ऑन माई लिड लाइक दिस. ठीक है जस्ट टू हाईलाइट द लाइक दिस. आई रोज इतनी शादी अटेंड कर करके ना अब बस हो गई है. लाइक लिटरली बस हो गई है. मेरे हबीब अभी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं. ही इज रेडी एंड ही इज टेकिंग अ नैप टिल आई गेट रेडी. I'm going to use this cat eye coal kajal pencil by Sara Ali Cosmetics which I absolutely love. अच्छा मैं काजल नहीं लगाऊंगी लेकिन मैं ऊपर वाली अपनी वाटर लाइन में आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस. ठीक है टेल मी आंखों के अंदर
न्यूड पेंस लगानी चाहिए कि नहीं. अच्छा, सबसे पहले तो आई एम यूजिंग दिस मस्कारा. दिस इज द बैड गर्ल बैंग बाय बेनिफिट. तो अच्छा, ये हमें लगाना है ऐसे. दिस इज हाउ आई अप्लाई माई मस्कारा, क्योंकि मुझे लाशेस नहीं लगानी ना, तो मस्कारा बस भर के लगा लो. अप्लाई न्यूड शेड, यस यू शुड, यस अप्लाई. ओके, सो आफ्टर मस्कारा आई एम गोइंग टू अप्लाई इट. यू गर्ल्स, माई गर्ल्स आर द बेस्ट. शुड आई स्टे लाइव एंड डू माई हेयर ओवर हेयर एज वेल, क्योंकि बाल मुझे कोई खास बनाने नहीं है. आई जस्ट हैव टू स्ट्रेटन देम अप. तो टिल द टाइम मैं अपने बाल स्ट्रेट करूँगी, मैं आप लोगों से बात भी कर सकती हूँ. यस यू शुड, यस 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 डू योर. अच्छा, एक मस्कारा तो मैंने ये यूज़ किया था, ठीक है, बैड गर्ल बैंग बेनिफिट का, क्योंकि अब मैं लाशेज नहीं लगा रही हूँ तो मेरा दिल नहीं भरेगा. तो मैं एक और मस्कारा है, दिस इज द मेबेलिन करने वाला स्काई हाई मस्कारा. सो मैं आखिरी कोट इसका करूँगी, ठीक है. ओ जी, न्यूड पेंसिल है मेरे पास, ये मिस रोज की. इट्स इन द शेड लाइट क्लेयर. इट्स न्यूड, इट्स नॉट वाइट. अभी खुलेगी नहीं, तो ये हम आंखों में लगाएंगे. ओके, ओके, सो दिस इज डन. आंखों में वाइट पेंसिल लगा ली है. Don't do it. I don't know why. You all want me to darken the lipstick. अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम ना मिक्स कर लेते हैं. गोल्डन कलर के कपड़े पहने प्लीज. अच्छा, मेरे पास फिर ये भी है 50 शेड इसी में इंक लिपस्टिक का मेबेलिन. दिस इज इन द शेड 50 विकेड. मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ. आई विल मिक्स इट. बेटर? रेड लिपस्टिक से तो जान जाती है मेरी, पता नहीं कि मुझे बहुत डर लगता है रेड लिपस्टिक से. मेरा क्लिप दिस बेनिफिट हाइलाइटर इन द शेड डैंडेलियन ट्विंकल. मैं ये लेके ऑन माई ब्रश अलिटली और मैं इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी लाइक दिस. क्या हाय हाय, इतना गंदा मेकअप यार. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. अब लगता है गर्मियों में ऑब्वियसली मैट लुक्स मच 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 बेटर. और अब मुझे क्लिप नहीं मिल रहा है और मैं जल्दी जल्दी मैं रेडी हो रही हूँ. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रेटन अप माई हेयर बहुत ही मैसी वे में. So don't judge you guys. यार काशीज टू ईच द रोन. सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काशीज का मेकअप बहुत लाउड लगता है. यार स्ट्रेटनर है रिमिंगटन का, इट्स द स्लिम वन, स्लिम 28 mm. यार सबने इतना बोला है ना टू लाइक कर्ल योर हेयर, कर्ल योर हेयर. अब मेरा एक्चुअली दिल चाह रहा है कि मैं अपने बाल कर्ल कर लूँ. यार लोगों को मेरी फैमिली से क्या है, मैं क्यों दिखाऊँ अपनी फैमिली. लेकिन अगर देखना भी है, सी यू गाइज कैन गो ऑन माई फीड ऑन इंस्टाग्राम ओनली एंड यू गाइज कैन सी. क्योंकि मेजॉरिटी मेरी फैमिली के पिक्चर्स लगी नहीं है ऑन माई फीड, आइदर माई इन लॉज और माई मॉम एंड डैड. यार साइड की माँ मुझे नहीं पसंद टू बी वेरी ऑनेस्ट. I like beach की मांग के साथ. पहले तुम लोगों ने बोला कर्ल करें, अब कर्ल करिए तो कह रहे हो स्ट्रेट अच्छे लग रहे हैं. ये मेरे साथ जाती है. आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? सीधे, क्योंकि मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं टिकते, क्योंकि माई हेयर आर सो थिन. ये एक बाल रह गया, ऊपसी.
यूज़ हेयर स्प्रे यार, आई डोंट यूज़ हेयर स्प्रे, इट डैमेजेस योर हेयर सो मच, है वो कितना ही अच्छा क्यों ना, सो नो हेयर स्प्रे, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट लाइक दिस. प्रॉमिस मैं किसी दिन प्रॉपर लाइट में प्रॉपरली तमीज का अच्छा मेकअप करके दिखाऊंगी. तो मैंने अभी जल्दबाजी में किया, अभी मैं कपड़े जाके डिसाइड करूँ जल्दी जल्दी. एंड आई लव यू ऑल सो सो मच, थैंक यू फॉर एडवाइजिंग मी गुड थिंग्स, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. आई लव यू ऑल.